लोग अपने बाल काट रहे हैं, बुरका जला रहे हैं, हिजाब जला रहे हैं, कट्टर मौलाना मौलवियों की पगड़ी खींच कर गिरा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी बहादुराना संघर्ष जिंदाबाद, 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 ईरानी जनता का बहादुराना संघर्ष जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 कट्टरपंथ के खिलाफ ईरानी जनता का संघर्ष जिंदाबाद, 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 कट्टरपंथ के खिलाफ ईरानी महिलाओं का संघर्ष जिंदाबाद, 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 इंकलाब। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे, जंतर मंतर पे देश और विदेश से मुद्दे उठते हैं और अभी भारत के मुद्दे उठ तो रहे हैं, लेकिन अभी एक जो खास मुद्दा है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है, महसा अमीन का मामला। एक ईरानी महिला जिसको मॉरल पुलिसिंग के जरिए पूरी तरीके से जिसकी हत्या कर दी गई, ऐसा आरोप है ईरानी सरकार में बुरका ना पहनने के लिए या हिजाब की वजह से उसकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में ईरानी महिलाएं खड़ी हो गई सत्ता के खिलाफ और चुनौती दे रही हैं। वो लगातार महीनों से प्रदर्शन जारी है ईरान में और सैकड़ों लोगों की ऐसा खबरें हैं कि मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन में। लोग अपने बाल काट रहे हैं, बुरका जला रहे हैं, हिजाब जला रहे हैं, कट्टर मौलाना मौलवियों की पगड़ी खींच कर गिरा रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी ईरानी सरकार पूरी ताकत से अपनी शक्ति से उसको कुचलने में लगी हुई है। मानवता के अधिकारों को कुचलने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है उसके लिए भारत के लोग भी खड़े हो गए ईरानी महिलाओं के समर्थन में। कहाँ से आए हैं सर आप और क्या नाम है आपका? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम सत्यवान है, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट उसके तरफ से ये आज का धरना प्रदर्शन है। हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझते हैं, दुनिया का इंसान एक है, धरती पर कहीं भी जुल्म होता है तो पिछले काफ़ी दिनों से कई महीनों से ईरान के अंदर वहाँ की जो फासिस्ट इस्लामिक सत्ता है वो अपने मनमाने धार्मिक नियमों को आयद कर रही है और ख़ासतौर पर महिलाओं को पिंजरे में रखा हुआ है, उनको उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। इसमें बहुत सारे को कत्ल किया गया है, बहुतों को मौत की सज़ा दी गई है, हजारों हजारों को गिरफ्तार किया गया है। एक निरसंस अत्याचार ये ईरान के अंदर चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि 70 के दशक की बात करें जब, तो ईरान का जो पूरा कल्चर था अलग था। ईरान में यूरोपियन प्रभाव था, महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, चाहे अफगानिस्तान हो या जो पहला एरा था, जो पहले लोग थे, जो पहली सत्ता थी वो काफ़ी लिबरल थी। लेकिन जब करप्शन और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सत्ता का, तो ऐसे लोग आ गए जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने ये सपना दिखाया ईरान को कि ये लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, हम इसको न्याय देंगे। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना के ऐसी कट्टरपंथी शक्तियाँ जैसे आ गई। तो ऐसा क्या हो रहा है कि मॉरल पुलिसिंग हो रही है, लोगों के अधिकार कुचले जा रहे हैं और मानवता की बात हो रही है, तो क्या ईरानी महिलाओं का जो आंदोलन है भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में जैसे समर्थन मिल रहा है, आप लोग कैसे समर्थन करेंगे उनको? क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट सरकार है, वो कहाँ सुनेंगे, वो तो गोली की भाषा समझते हैं। तो आप कैसे करेंगे, क्या सरकार पे दबाव डालेंगे, भारत सरकार पे? दुनिया में कहीं भी जुल्म होता है तो उसके खिलाफ एक विश्व जनमत एक मायने रखता है। जैसे विश्व जनमत बढ़ेगा तो दुनिया भर के लोगों की आवाज़ वो जो है अपनी अपनी सरकारों पर भी दबाव। सर, मानवता के लिए लोग इकट्ठे नहीं होते, लेकिन धर्म के नाम पे लोग एक मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। इस्लाम की बात करोगे ना, अभी कहीं भी अगर धर्म की बात करोगे या हिंदुत्व की बात करोगे, इतनी जल्दी लोग खड़े हो जाते हैं। तो उस जनमत को पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमानों की है और उसमें से भी कट्टरपंथ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो लोग आप उसको रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, उनके सीधे सीधे धार्मिक प्रतीकों पर आघात की बात कर रहे हैं, बेशक मानवता की बात है, लेकिन वो तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लोगों का अपना धार्मिक अधिकार विश्वास एक चीज़ है, लेकिन सत्ताधारी लोग अपने ताकत के बल पर जब किसी धर्म को थोपते हैं वो अलग चीज़ है। आज ईरान में यही हो रहा है कि वहाँ व्यक्तिगत विषय है धर्म, एक निश्चित रूप से ये व्यक्ति का विश्वास होता है,
कोई धर्म को माने ना माने ये उसका अपना निजी विश्वास है। ये सर सब भारत के संविधान से बोल रहे हैं आप, ईरान का नहीं नहीं, ये नव जागरण का आंदोलन का, हमारे देश में ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेकर और महात्मा फूले तक उन्होंने यही आवाज उठाई थी कि धर्म है या अपना विश्वास है। अब क्या संदेश देंगे देश की जनता को, क्या संदेश देंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मौलवीवाद है, धार्मिक कट्टीपंथ है, ये जो फासिस्ट इस्लामिक सत्ता है, इसके खिलाफ दुनिया भर के लोगों को एक बुलंद आवाज करनी चाहिए और ईरान के संघर्षरत लोगों का साथ देना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात कह दी कि ईरान की संघर्षरत महिलाओं के साथ पूरी दुनिया को खड़ा हो जाना चाहिए और पूरी शक्ति से उनका साथ देना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि वो अकेली नहीं है, भारत की महिलाएं जो यहाँ बैठी हैं ये भी उनके साथ हैं। इसी संदेश के साथ जंतर मंतर से मैं मनोज सुराजी मिनी संसद के लिए जय हिंद जय भारत।